हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं हूं सूरज राज। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी जो यूट्यूब चैनल बीएससी पेपर हैकर है या फिर बीए पेपर हैकर है, तो बीएससी पेपर हैकर पर आपको बीएससी की वीडियो मिलेंगे, बीए पेपर हैकर पर बीए की वीडियो मिलेंगे, और बीकॉम पेपर हैकर पर बीकॉम की वीडियो मिलेंगी। आप हमारे पेपर हैकर के होम पेज पर जाकर आप वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी चैनल हैं हमारे, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करो, सभी लोगों को बीकॉम पेपर हैकर डालो, वहां आपका बीकॉम पेपर हैकर का आ जाएगा, बीएससी पेपर हैकर आ जाएगा, बीए पेपर हैकर आ जाएगा, एमएससी पेपर हैकर आ जाएगा, एमकॉम पेपर हैकर आ जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल इंटर पेपर हैकर, आपका भाई बहन कोई भी है तो यार उनको ये चैनल सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। और पेपर हैकर को जरूर सब्सक्राइब करो। और बाकी जो आर्मी पेपर हैकर, जो आर्मी की तैयारी आपका ब्रदर कोई भी कर रहा है, भाई कर रहा है, सिस्टर कर रहा है, कोई भी, या आप खुद से कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां हम सारे के सारे क्वेश्चन बुक को अच्छी तरीके से क्लियर कराते हैं, शॉर्ट में आपको बताते हैं, और वहां से आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आप यार सिलेक्शन पाए हर चीज में। और यहाँ देखिए, बात आज करेंगे 2021 में जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम होने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट जो एग्जाम होने वाले हैं, आपको पता है चाहे आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर सब कुछ होगा, क्योंकि आपने मैन एग्जाम दे रखा है। वहां से क्या है, यदि आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख मिल जाएगा। साथ ही साथ बात की जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू जिसे बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, आप उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट पेपर होगा, वो पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। वहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, बता रहा हूं, यदि आप उतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, जो 2021 के इंप्रूवमेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके रिटन एग्जाम हो रहे हैं वो इस वीडियो को देखें, जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जिस यूनिवर्सिटी में, वो आपके और उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाओ। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं, और चाहे आप बैक पेपर हो या फिर इंप्रूवमेंट हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सरलीकरण समीकरण क्या होता है ये आप देखेंगे, और देखिए इन दोनों में महत्व के बारे में अंतर आपसे पूछ लेता है 5-5 स्क्वायर में, और हुक का नियम भी आप याद कर लेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद नीचे हम जाएंगे, यहां आपको देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी थ्योरी, जिसे मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें हमें वर्ल्ड ऑर्डर ज्ञात करने की बोलता है, या कार्बन से पूछेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में आप लिखेंगे। साथ ही साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन के अणुओं के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मुझसे पूछेगा, वो आप याद करेंगे, अच्छी तरीके से पूरा फिगर बनाएंगे उसका, ठीक है। और देखिए ये बहुत एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, इसको आप देखेंगे मोमेंट को, और बोहर, देखिए बोहर का सिद्धांत को भी आप याद करके जाएंगे, ये क्वांटम इफेक्ट को आप याद करके जाएंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यहां हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर वालों के केमिस्ट्री के थर्ड पेपर के, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, तो आप उसमें ये तैयार करेंगे। आपने यदि एक सब्जेक्ट का बैक पेपर डाला है तो उसको तैयार करेंगे, यदि आपने पूरा सब्जेक्ट का डाल रखा है, मतलब कि बीएससी में हम हैं और तीनों पेपर हम देंगे, जैसे कि एमजेपीआरयू है जो इम्प्रूवमेंट डालते हैं, उसके थ्रू आप तीनों पेपर को अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है, वो हमने डाल रखे हैं, उसका प्लेलिस्ट भी मैं आपको बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको सर्च कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट यदि आपको चाहते हैं तो आप हमारे बीएससी पेपर हैकर पे जाइए, वहां आपको उसकी पूरा सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम, जैसे संकरण कहते हैं, संकरण को जैसे एसपी संकरण होता है, एक एसपी टू संकरण होता है, एक एसपी थ्री संकरण होता है, तो इन संकरणों को याद करेंगे। रमन इफेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद करेंगे, रमन इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और हाई देखिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आप शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखिए जब हम आयर स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर दो चीज आपसे पूछी जाती है, एक पूछा जाता है एटमिक स्पेक्ट्रम और एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, ये इसके ही अंदर आपसे पूछ जाता है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है मुझे कि आप सब कुछ याद होगा, बस आपको थोड़ा सा देखना है, एक बार पढ़ के देखिए। मेरा कहने का मकसद यह है कि आप की कॉपी जो भी है, जो भी आप लिखते हो, कॉपी को लिखते हो तो पूरा अच्छी तरीके से लिखो, मतलब उसको भर के आओ, ये याद रखना, खाली छोड़ के नहीं आनी है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे जो दिल में आए वो बनगा के लिख देना। केमिस्ट्री की बुक, मतलब कि पेपर है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही वीडियो बना देना, मतलब कि क्वेश्चन उसमें बना बना के लिख देना, लेकिन लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है, मेरा मकसद मकसद ये है कहने का, ठीक है, कि आपको छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो को याद रखना, जब भी एग्जामर का आपकी कॉपी को देखता है, एक बताओ कि यार 10 रुपए को आपको मिलता है, 10 से 11 रुपए, 10 रुपए मिलते हैं पर कॉपी के हिसाब से, ठीक है, एक कॉपी चेक करने के 10 रुपए मिलते हैं,
भी टीचर को, बताओ वो 10 रुपए में क्या गुजारा कर लेगा? उसके सामने जब गड्डी होती है ना, लाखों की पड़ी होती है कॉपी, तो कैसा करता है? तो पहले कुछ पेपर को, मतलब आपकी पहले पेज को देखेगा, दूसरे पेज को देखेगा, और इसी प्रकार से लौटेगा, फटाफट फटाफट लौटेगा, उसके बाद में जाएगा लास्ट वाले में, देखो कब तक लिखा है, कितना लिखा है, तो अंदाज में तुम्हें नंबर दे रहा है आजकल के टीचर, तुम्हें पता ही है, समझ रहे हो? छोटा करने की कोशिश मत करो, जो करना है ना पूरा भर के आओ, कॉपी को पूरा भर के आओ, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। वल्लेतांग क्या होता है इसको आप याद करके जाएंगे, ठीक है। क्वांटम संख्या क्या होती है उसके महत्व को याद करके जाएंगे, ब्लैक बॉडी रिएक्शन उसको याद करके जाएंगे, जिसे कृष्ण का विकिरण कहते हैं, रिडक्शन, इसको आप याद करके जाएंगे। और देखिए आइंस्टीन की प्रकाश तुल्यता का नियम, इसको आप याद करके जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, इसको आप याद करके जाएंगे। नीचे हम देखेंगे क्यूरी वाइज वगैरह, छोड़ो इसको, और विद्युत विद्रण हमने शायद ये मनो ये इसको याद करके जाएंगे, विद्रमण क्या होता है विद्युत। और उसके बाद में आप देखिए, यदि आप एमजेपी आर्य रोहतांग यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इसको जरूर पढ़ के जाना, एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार आयु इलेक्ट्रॉन से भिन्न होते हैं, आपसे शॉर्ट पे पूछता है। संदीप्ति क्या होती है और प्रदीप्ति क्या होती है, इन दोनों को आप याद करेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसको आप याद करके जाएंगे, और इसको आप याद करके जाएंगे, ठीक है। उसमें अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी आप याद करके जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में देखिए हम देखेंगे लास्ट में राउल्ट का नियम को देखेंगे, राउल्ट के नियम को आप याद करके जाएंगे, राउल्ट के नियम के बाद में आप याद करके जाएंगे क्वांटम, देखिए ये लैमार्ट, देखिए लैमार्ट और बेयर का नियम को, इसको याद करके जाएंगे, ठीक है। और को बस इतना ही पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ बाहर नहीं मिलने वाला है, यही सब कुछ आपके सामने मिल जाएगा देखने को, हो सके तो इसको और देख लेना एक बार। देखिए ये है क्वेल्स और मोटो समीकरण, इसको आपको देख लेना है, ठीक है, मोसोटीन समीकरण के बारे में, तो ये आपके लिए हो सकता है। बस इतने ही क्वेश्चन देख लेना खाल फालतू, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारा का सारा आपका जो भी आने वाली क्वेश्चन है वो सब यहीं से आ जाएंगे। और एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपसे पूछ लेगा चुंबकीय प्रवृत्ति का मापन ग्वाय विधि द्वारा, देखिए ग्वाय विधि द्वारा किस प्रकार से करेंगे, ये ग्वाय विधि को आप देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस ये आपको बस इतना पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई हजारों क्वेश्चन पढ़ लो, इसको आप एक पेपर दे रहे हो तो लगभग ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से लगभग में 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएंगे, 12 से 13 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यहाँ से 85% देखने को मिलेगा, 85% प्लस देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और बाकी एग्जाम से पहले कुछ होता है तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा, समझ रहे हो, यदि कुछ तो मैं आपको बिल्कुल दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाना है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आप वहां पर, देखिए बहुत सारे यार मैसेज आते तो मैं आपको मैसेज को देख नहीं पाता, लेकिन अब मैं जरूर देखूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके हर मैसेज का रिप्लाई की जाए, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, लव यू।